तो टॉप पे चल रहे हैं अभी हम, जाएंगे तो टॉप पे ही जाएंगे अब। सो गाइस दिस इज लेक पिकोला विच इज अराउंड द सिटी पैलेस। ये पूरा फतेह सागर लेक है गाइस, और वो सेंटर में आपका नेहरू गार्डन है भाई। तो हाथ हटाओ पहले मेरे ऊपर यार। Come on guys, ये चार्जर वगैरह पैक कर लो भाई। रेडी फॉर डिपार्चर। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। टुडे इज डे 7 ऑफ द ट्रिप, और हम लोग माउंट आबू से निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं उदयपुर की साइड। होटल वगैरह हमने ऑलरेडी बुक कर रखा है वहाँ पे, और अभी टाइम हो रहा है 7:15। अराउंड 3.5 घंटे की ड्राइव होगी यहाँ से उदयपुर के लिए। अभी यहाँ पे हम निकल लिए हैं सिर्फ ब्रश करके, तो आज सुबह की चाय हम उदयपुर में ही पियेंगे और नाश्ता कराची में करेंगे। So guys, we were driving to Udaipur and look what we found. Look at this cliff. So amazing. So we stopped here to click some photos and maybe climb this hill a bit. चढ़ जाओ तेजी से, एकदम तेजी से, रुकना नहीं। ओ भाई ये तो काफी टफ है। सवाना के जंगलों में आ गए हम। लेट करेंगे, देख लेना था कि हगा ना हो। मुंशी जी यहाँ का निरीक्षण करने आए हैं। टॉप पे चल रहे हैं अभी हम, जाएंगे तो टॉप पे ही जाएंगे अब। चलो हो के आओ फिर एक बार, मैं ही बैठा। अब चलो उधर जाके खड़े हो, फोटो इधर से ऐसे लेते हैं। चल चल ऊपर चलते हैं। अच्छा लग रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स है। वैली विदाउट द फ्लावर्स। चले आजा आजा, चलते हैं, चल ठहर जाओ वहीं पे, आजा फोटो क्लिक कर दो यार, आजा। अभी तो शुरू हुआ है ना मेरा, लेट हिम बैग, 50 फोटो खींचो मेरी। अगर आप लोग राजस्थान रोड ट्रिप कर रहे हो तो माउंट आबू से उदयपुर की रोड ट्रिप जरूर करना। पूरे टाइम आप लोग को ऐसे ही नज़ारे मिलेंगे, साइड में छोटे छोटे पहाड़ हैं और बीच से रोड गई हुई है, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो माउंट आबू से उदयपुर का रोड ट्रिप जरूर करना। कालिका पैलेस। सो गाइज, वी हैव नाउ एंटर्ड द सिटी ऑफ उदयपुर, और कुछ ही देर में हम अपने होटल भी पहुँच जाएंगे। अप्रॉक्स यहाँ से 2.5 किलोमीटर है,
और लेक्स स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। वी डोंट नो ये कौन सा लेक है, बट आएंगे हम घूमने आएंगे बाद में। फतेह सागर है, फतेह सागर लेक है। सो गाइस ये है हमारा होटल। सो गाइस हम होटल पहुंच चुके हैं, बट हमारा रूम अभी खाली नहीं है। अराउंड 1 o'clock पे वो खाली होगा, तो हम तब चेक इन करेंगे। तब तक हम लोग ऊपर रेस्टोरेंट में कुछ खा पी लेते हैं। 4-star होटल में हमें ऐसा मेन्यू मिल रहा है। So the food is here, but the boys are not. So let's wait for them. The tea is very nice. तो ही जो जिला है ये किन जिलों से connected है? किन किन जिलों से connected है? Geographically? जी, ज्योग्राफिकली देखा जाए तो आपका ये बनारस जिले से कनेक्टेड है। आप थोड़ा सा आप पूर्व की दिशा में बढ़ते हैं तो आपका बनारस मिर्ज़ापुर से कनेक्टेड मिलेगा। अगर आप पश्चिमी दिशा की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर आपको एक और ज़िला पड़ता है, उसका नाम थोड़ा कम याद है मुझे, परंतु जौनपुर पूर्वांचल बोलते हैं, पूर्वांचल के एरिया में वो सब एरिया आता है, तो वो सब आपका जौनपुर ज़िला हो गया। आपने तो कहा कि आपने इंटर तक वहीं से आपने पढ़ाई की है। मैं तो स्कूल तक ही जाता था, जौनपुर तक नहीं जाता था। क्या इलाहाबाद से भी कनेक्टेड है? हाँ, एक बार ट्रिप गया था हमारा वहाँ पर। यहाँ पर मॉक इंटरव्यू चल रहा है IAS का। सेंट जोसेफ स्कूल गया था, वहाँ पर मैंने कैमरा एडिट करी थी। देखिए, टू द पॉइंट बात करिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ज्योग्राफिकली क्या इलाहाबाद से कनेक्टेड है भदोही कि नहीं? जी कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा हुआ है। तो आपने कहा ये पूर्व की दिशा की ओर, तो क्या इलाहाबाद जमुना पारी लोग रहते हैं? और किस राज्य ने अब तक सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों को? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने कितने? क्या आपका संख्या ज्ञात है? जी नहीं, माफ़ करिएगा, संख्या नहीं ज्ञात। क्या आप डिजास्ट्रा एल्गोरिथम लिख पाएंगे? जी लिख तो पाऊँगा, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमें याद नहीं है, तो हम पूछेंगे नहीं। सो गाइस लेट मी गिव अ रूम टूर। सो दिस इज़ द रूम, हाउ इट लुक्स। पेंटिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं। देन देयर इज़ अ लैम्प, दिस इज़ द कबर्ड, दीज आर द टू बास्टर्ड्स। दिस इज़ द वॉशरूम, वेरी स्पेशियस। दैट्स मी। This is the balcony attached to this room. So the room looks good and spacious. It is quite spacious, I would say. Okay. No, ठीक है, डाल दूंगा मैं। ओके, सो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर रेडी होके निकलते हैं उदयपुर घूमने के लिए। इसको साइड कर दूं क्या? नहीं नहीं, करो ऐसे ही करो, नहीं हो पाएगा भाई। होगा, करो तो। रेडी गाइज, हाँ लेट्स गो। भाई
So guys, we are now entering the city palace. That is the city palace. यही है मेन पैलेस, यही है। हाँ यही बस इतना ही। चलो सो गाइज, दिस इज लेक पिकोला विच इज़ अराउंड द सिटी पैलेस, और यहाँ पे आप फेरी राइड भी ले सकते हैं, बोटिंग भी अवेलेबल है, बट वी आर नॉट श्योर कौन सी बोट मिलेगी, स्पीड बोट मिलेगी या नॉर्मल पैडल बोट मिलेगी, बट वी कैन सी द फेरीज। न्यू सिटी पे पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज होटल ताज पैलेस विच इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द पिकोला लेक। पैलेस, लेक, लेक, पैलेस। This is the central park inside the city palace. महल इतना बड़ा है लेकिन सीढ़ियाँ पतली पतली सी हैं, जिससे कि चोर अगर आते हैं तो उनको भागने में दिक्कत हो, इसलिए ये कि सीढ़ियाँ पतली बनाई जाती हैं। So these were the musical instruments that were used at that time. Sitar. हर तरह का सितार है। ये banjo. This is banjo. Sitar one. कहाँ दिल रुबा है? दिल रुबा. ये तानपुरा। खराब दो से आती है, ताकि उसमें एक अच्छी। ये ग्रामोफोन। आपको हमारी सो गाइज, हम लोग सिटी पैलेस के बाहर आ गए हैं, और ये सेंट्रल पार्क है सिटी पैलेस का, जहाँ पे ये जवानी है दीवानी मूवी की शूटिंग हुई थी, और ये सिटी पैलेस का व्यू है इस पार्क से। ये है ना, इधर देखो ये है। सो गाइज, हम लोग अब सिटी पैलेस के बाहर आ गए हैं, और अब हम कहाँ जाएंगे? अब यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। लोकल मार्केट, लेदर का काम अच्छा मिल जाएगा, और ये सेमी प्रेशर स्टोन अच्छे काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पे अभी लोकल मार्केट से लोगे तो ये थोड़ा टूरिस्टी प्लेस है, तो यहाँ पे आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, मैं आपको लेके चलूँगा बापू मार्केट, वो थोड़ा वहाँ पे आपको ठीक प्राइस में मिल जाएगा, बट ये कैमरा आपको वहाँ नहीं लेके जाना होगा, नहीं तो फिर थोड़ा महंगा पड़ेगा।
चाहिए लेमन बंटा जूस सर। चिकन जी है, बंटा है, पुदीना है, नींबू पानी है सर। गाइस दिस इज जगदीश टेंपल जस्ट आउटसाइड द सिटी पैलेस। और ये सिटी पैलेस से बाहर निकलते ही मार्केट सारी दुकानें बंद हैं क्योंकि आज संडे है। संडे को मार्केट जल्दी क्लोज होता है यहाँ पे। हमारी गलती नहीं है इसमें। ये बापू बाजार है वैसे यहाँ का लोकल मार्केट जो सिटी पैलेस के पास है। वो काफ़ी महंगा मार्केट है। आपको लोकल्स की तरह शॉपिंग करनी है अगर आपको कम रेट में तो बापू बाज़ार इज़ द बेस्ट। लेकिन आज हमारा बैड लक है कि हम संडे को यहाँ पहुँचे और ये मार्केट पूरी बंद है और बारिश भी हो रही है तो हम जल्दी ही निकल जाएंगे। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं फिश एक्वेरियम जो कि फतेह सागर लेक के अंदर है। तो वैसे तो उसका टाइम 10 बजे तक खुलने का है बट आज संडे है तो ये नॉट श्योर कि खुला होगा या नहीं क्योंकि यहाँ की सारी मार्केट्स तो बंद हो गई हैं। बट हम आज का दिन और कल का ही यहाँ पे हैं तो हम जा रहे हैं एक बार देख लेते हैं कि अगर खुला हुआ तो वो आज ही कवर कर लेंगे, कल मार्केट्स घूम लेंगे और शॉपिंग वगैरह कर लेंगे वहाँ पर। चेतक सर्कल बोलते हैं भाई। चौराहे का नाम क्या है? चेतक सर्कल है भाई। गाइज ये है फतेह सागर लेक, ये सामने जो देख रहे हैं ये पूरा फतेह सागर लेक है गाइज। और वो सेंटर में आपका नेहरू गार्डन है और ये लेक का पानी पूरा यहाँ तक भरा हुआ है आप देख सकते हैं। बारिश में काफ़ी ऊपर आ गया पानी। ये बरसात के मौसम में पानी के रोड तक आ जाता है, मछली बाहर आती है। ओ भाई पूरी ओ भाई जो मछली बाहर आती है ना पब्लिक उठा कर डाल देते हैं। ये लफा अभी ये पूरा ये देखिए गाइस ये फतेह सागर लेक के साइड में ही हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है इसकी। और ये उदयपुर का सबसे बड़ा लेक है फतेह सागर लेक। लेक पिकोला से भी बड़ा है फतेह सागर लेक। ये साइड में खाने पीने के स्टॉल्स फतेह सागर लेक के, काफ़ी लाइवली माहौल है यहाँ का। और यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ से बोट मिलती है और वो नेहरू गार्डन तक ले जाती हैं। ये देखिए फतेह सागर लेक के साइड में सारे रेस्टोरेंट हैं लाइन से। सो गाइज वो जो आपको टॉप पे एकदम लाइट दिख रही है वो नीमच माता मंदिर है। वहाँ पे भी आप अगर फतेह सागर लेक आ रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और आपको एक ट्रेल दिख रही होगी, यही रास्ता है वहाँ जाने का। सो गाइज हम लोग एक्वेरियम पहुँच चुके हैं, वो सामने एक्वेरियम दिख रहा होगा आपको। अब बाकी रिकॉर्डिंग अंदर करेंगे क्योंकि बारिश हो रही है तो कैमरे को बचाना है। इट्स फ्रेश वाटर वैरायटी। एक्वेरियम में लोग बहुत रखते हैं बट इसको जितने उतने खा लो। गाइज ये है पिराना। क्या नाम है इसका? सिल्वर एरुवाना। सिल्वर एरुवाना दिस इज द बहुत बड़ी है। इसकी वैरायटी आती है इसके इससे बड़ी, मतलब इसमें अलग अलग वैरायटी आती हैं और वो तुम्हारी मतलब $1,000 तक जाती है, $40,000 $50,000। दीज आर द ऑस्कर्स। ये कौन सी हैं? अल्बाइनो अल्बाइनो शार्क्स। सकर कैट। और जिनके भी इधर से ऐसे नीचे से दो विस्कर्स निकले होते हैं ना ये गुरामी होती है, मलेशियन उसमें रहती हैं, मलेशियन वाटर, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडिया के भी अपर हिली रीजन में पाई जाती हैं फ्रेश वाटर फिश। दीज आर द मोनो सीबे। दीज आर द ऑस्कर फिशेस। फायर ऑस्कर एक्चुअली। This is an African variety of African fish, cichlid. These are the iridescent sharks. These are piranha. So guys, this is short body flower horn. Very intelligent. Come here buddy. बहुत active है तो. This is Nemo fish.
फाइंडिंग नेमो एंड दिस इज अ स्टार फिश एंड दैट वन इज अ डरपोक फिश दिस वन इज डरपोक फिश बट नॉट सो डरपोक एनी मोर By the way, its name is giant grouper, so it is not a darpok fish. See this beautiful fish. And this one is koi fish. यार बहुत गुदगुदी हो रही है So guys, our first experience of fish pedicure. मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन गुदगुदी बहुत ज्यादा लग रही है So guys, we are currently at Khammagadi restaurant, the very famous restaurant of Udaipur. Abhi aaj thoda rush kam hai, usual days ke comparison mein. And see this guy. Zor se bhook lagi hui hai. So guys, humne table change kar liye aur hamara lake side view aa gaya hai with normal Indian seating. Oh, this is the lake. Just beside that, we have our seat. This is our Raja Sahib. Raja Sahib. So we have ordered very famous Dal Bati Churma of Rajasthan. So this is Bati. This is Dal. And this is Churma with the regular North Indian food. Guys, khana to bahut tasty lag raha hai. I think we have ordered more than we can digest at the feast weekend. Aur kuch mangana hai Adil sir? भाई इतना हम लोग ने खाया है सो गाइज वी आर फाइनली बैक इन द होटल और आज हम काफ़ी थक गए हैं एज यूजुअल बिकॉज हमने इतना ज़्यादा खाना खा लिया है प्लस हम पूरे दिन से टहल रहे हैं सुबह 6 बजे हम लोग उठ गए थे और तब से अब जाके हमें बेड नसीब हुआ है तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग